हेलो एवरीवन, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था समास किसे कहते हैं और समास की प्रक्रिया में हमें किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आप सबको पता चल गया होगा कि समास किसे कहते हैं, सबको याद होगा। तो छोटा सा हम रिकैप करते हैं कि समास का अर्थ है संक्षेप करना, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाते हैं तब वो समास बन जाता है। तो आज हमें पढ़ना है समास के भेदों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा अव्ययी भाव समास। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में कि ये समास क्या होता है। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पहला एक उत्तर पद, दूसरा पूर्व पद। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी अर्थ जो निकलता है वो हमारा अंत वाले पद से निकलता है। और इसके साथ ही साथ तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच विभक्तियों का लोप होता है। विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह, का की के जो हमने कारक पढ़े हुए हैं उनका यहाँ पर लोप होता है। से उदाहरण के लिए डाक गाड़ी, तो ये एक समस्त पद है। इसमें हमने क्या किया है, जो इसका समास विग्रह करेंगे तो वो होता है डाक के लिए गाड़ी, यानी यहाँ पर के लिए जो विभक्ति थी उसका लोप हो गया है, उसके बाद उसका समस्त पद बनाया गया है। तत्पुरुष समास की और एक विशेषता होती है कि इसमें अक्सर पहला पद जो होता है वो होता है संज्ञा और दूसरा पद संज्ञा हो सकता है या फिर विशेषण हो सकता है। और इसके अलावा इसमें एक और भी खास बात ध्यान रखनी होती है, तत्पुरुष समास में इस पदों के बीच में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी के अनुसार तत्पुरुष समास का नाम भी रखा जाता है। जैसे कि आपको कारक चिन्हों के बारे में पता है, पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है कि कारक चिन्ह होते हैं का, की, के लिए, में, पर आदि। तो वो अगर लोप हो रहा है तो उसी के अनुसार उसका तत्पुरुष का नाम रखा जाएगा। ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिए गए पद का या दिए गए समास का नाम लिखिए, ये कौन सा समास है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं तत्पुरुष का कौन कौन से भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति का लोप होता है। पता है सबको कि को विभक्ति जो होती है कर्म कारक की होती है, तो अगर कर्म कारक की विभक्ति का लोप होगा तो वहां पर हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष। तो उदाहरण के लिए जैसे यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ पर को विभक्ति का लोप होके नया शब्द बना है यश प्राप्त। तो यश प्राप्त जो समास होगा वो होगा आपका कर्म तत्पुरुष समास। इसी तरह से ग्राम को गत, ग्राम गत, जन को प्रिय, जन प्रिय। दूसरा करण तत्पुरुष, इसमें भी करण विभक्ति का, करण कारक का जो विभक्ति होगी वो उसका लोप होता है से और के द्वारा। जैसे अगर आपका दिया हुआ उदाहरण तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, यहाँ पर द्वारा शब्द का लोप है, द्वारा विभक्ति का लोप है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। शोक से आकुल, शोकाकुल। और जहां पर के लिए विभक्ति का लोप होगा तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। क्यों, क्योंकि संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो होता है के लिए। तो एक उदाहरण के लिए जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। तो यहाँ पर देशभक्ति, जेब खर्च, ये समास के भेद होंगे। कौन से भेद होंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। और जहां पर से अलग होने का भाव, जहां पर अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है से विभक्ति, वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। तो वहां पर अगर ऐसा है तो वो कारक हमारा हो जाएगा समास तत्पुरुष अपादान। जैसे पथ से भ्रष्ट यानी कि प्रतभ्रष्ट, धन से हीन, धनहीन, देश से निकाला, देश निकाला। तो यहाँ ये जो तीनों शब्द दिए हुए इन तीनों में से अलग होने के भाव को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा
अपादान तत्पुरुष समास। अब बात आती है संबंध तत्पुरुष की, तो यहाँ पर भी एकदम स्पष्ट है कि संबंध कारक जो उसका चिन्ह विभक्ति चिन्ह काकी के, अगर उसका लोप हो रहा है तो वहां पर हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष। जैसे अमृत की धारा अमृत धारा, गंगा का जल गंगा जल, लोक की संस्कृति लोक संस्कृति। इसी तरह से में या पर विभक्ति का लोप होने पर अधिकरण तत्पुरुष होगा, जैसे आत्म पर विश्वास आत्मविश्वास, ध्यान में मग्न ध्यान मग्न, आप पर बीती आप पर बीती। तत्पुरुष का एक और भी भेद होता है न्यय तत्पुरुष। इसमें क्या है कि इसमें जो पहला पद होता है वो नकारात्मक होता है, यानी कि नहीं का भाव आता है, और खासकर इसमें आ या अन लगा होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए न अधिकार, तो इसको जब हम मिला के लिखते हैं इसका समास करते हैं तो क्या हो जाता है अनाधिकार। इसी तरह से न धर्म, इसको भी जब हम समास पद बनाते हैं तो क्या हो जाता है अधर्म। न न्याय अन्याय, न संतोष असंतोष। तो इन चारों उदाहरणों में आप देखेंगे कि सबसे पहला वाला जो पद है वो नकारात्मक है, यानी कि नहीं का भाव आ रहा है, तो इससे यहाँ पर न्याय तत्पुरुष समास होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि समास करने के लिए कुछ शब्द ऐसे दिए जाते हैं जिसमें विभक्ति तो होती ही होती है पर उसके अलावा भी कुछ अन्य शब्द भी होते हैं, तो वहां पर होता है आपका मध्यम पद लोपी लोपी तत्पुरुष। उदाहरण के लिए जैसे दही बड़ा, तो यहाँ पर हम अगर दही बड़ा का समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है दही में डूबा बड़ा। तो यहाँ पर में तो विभक्ति है ही है पर उसमें एक शब्द भी है डूबा, तो जब में डूबा ये दोनों शब्द हटा दिए जाते हैं तो वहां पर हो जाता है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। इसी तरह से माल ले जाने वाली गाड़ी मालगाड़ी, पानी से चलने वाली चक्की पंचक्की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं और उनका नाम हम उसकी विभक्ति के लोप होने के आधार पर ही रखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा समास है। दूसरा समास है आपका कर्मधारय समास। इस समास में भी तत्पुरुष समास की तरह उत्तर पद प्रधान होता है, यानी मुख्य अर्थ हमें उत्तर पद के द्वारा ही मिलता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो हमेशा ही विशेषण होता है और दूसरा पद यानी उत्तर पद विशेष्य होता है। तो ये सबको पता है विशेषण और विशेष्य क्या होता है। विशेषण जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और विशेष्य यानी जिस पद की विशेषता बताई जा रही है। तो इसी तरह से एक आपने यहाँ पे नया शब्द लिखा हुआ देखा है उपमेय और उपमान, तो उन दोनों का भी सेम वही अर्थ होता है जो विशेषण और विशेष्य का है। उपमेय का मतलब है जिस शब्द से उसकी विशेषता बताई जा रही है किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, और उपमान जिससे तुलना उसकी की जा रही है तो उसे हम उपमान कहते हैं। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कर्मधारय समास में जो हम समास विग्रह करते हैं वो तीन तरह से कर सकते हैं। जैसे महादेव, तो इसका विग्रह हम कर सकते हैं महान है जो देव। जैसे कहा गई काली है जो मिर्च, तो वो क्या हो गई काली मिर्च। तो यहाँ पे देखिए पहला शब्द जो है काली विशेषण है और मिर्च विशेष है, यानी विशेष मिर्च की विशेषता बता रहा है कि वो काली है। उसी तरह से घनश्याम, अगर उपमेय उपमान का संबंध है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है समान यानी तुलना की जा रही है कि कौन व्यक्ति या कौन सी वस्तु किसके समान है। तो घन के श्याम समान श्याम, तो आपका हो गया घनश्याम। अब दूसरे उदाहरण में देखिए जहाँ पर नैनों की तुलना की जा रही है कमल से, यानी जो आंखें हैं वो आपकी कमल के समान है, तो यहाँ पर उसका विग्रह क्या कर दिया हमने कमल के समान नयन। इसी तरह से चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख। अब अगर उपमान पहले आ रहा है और उपमेय बाद में आ रहा है तब वहां पर हम उसका विग्रह थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। वहां पर बीच में हम रूपी शब्द जोड़ते हैं। रूपी शब्द इसलिए कि हम उपमेय उपमान को एक दूसरे पर ही आरोपित मान लेते हैं कि दोनों ही एक में ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए हैं। तो जैसे मुख चंद्र, यानी
चंद्र रूपी मुख, मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है और मुख इतना सुंदर है कि वो चंद्रमा के समान लग रहा है। चरण कमल, कमल रूपी चरण। वचनामृत, अमृत रूपी वचन। तो कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। समास का तीसरा भेद है द्विगु समास। ये समास सबसे ज्यादा आसान है, इसको पहचानना भी बहुत आसान है और इसका विग्रह करना भी बहुत आसान है। तो इसका भी जैसे कि तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में आपने देखा कि उत्तर पद प्रधान होता है, तो इस समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो पहला पद होता है संख्यावाची होता है, संख्यावाची यानी नंबर। तो परीक्षा में जैसे ही आपने कोई समस्त पद देखा या समास विग्रह देखा और उसमें अगर संख्या की बात की जा रही है तो आपको तुरंत उसको पहचान लेना चाहिए कि वो द्विगु समास है। और इसके अलावा ये समास समूह का अर्थ देता है, यानी जहां पर भी आपको लग रहा है कि वो समूह की बात आ रही है तो वो द्विगु समास हो जाएगा। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समाह, चौराहा, चार राहों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समाह। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि हम जब द्विगु समास का विग्रह करते हैं तो वहां पर अंत में हम समाहार या समूह शब्द को जोड़ सकते हैं। ओके, तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया कि तीनों समास आपको समझ में आ गया होगा। समास के अन्य जो तीन भेद हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ओके, बाय।